नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ दिवांशु शर्मा। आज पानीपत में गोहाना रोड पर दुकानदारों द्वारा प्रशासन को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाकर व काले झंडे दिखाकर शव यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि दुकानदारों द्वारा यह पहली कोशिश नहीं है, इससे पहले भी टूटी सड़कों के चलते दुकानदारों द्वारा सड़कों को जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज फिर दुकानदार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। अगर जो सरकार चलाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। अगर जो एमएलए एमपी हमारी नहीं सुनेंगे तो हम उनके घरों का घेराव करेंगे। अगर जो आप काम नहीं करना चाहते तो आप एमएलए भी बने क्यों? अगर जो आप काम करना चाह रहे हैं और आपकी चल नहीं रही है तो सीमा दे के मार्केट में आओ। या कमीशन बंदी हुई है या तनख्वाह में आप गुजारा कर रहे हो? जब आपकी पब्लिक तंग है और अफसर आपकी सुन नहीं रहे तो आप क्यों कुर्सियों से मतलब चिपटे बैठे हो? आप ये कौन सा तरीका है विरोध करने का? कौन सा तरीका है विरोध करने का? सब यात्रा आप लेकर हमारा ये आखिरी तरीका है ये, क्योंकि हमने अपनी दुकानों पे बैठ के सारे तरीके करके देख लिए, अधिकारियों के चक्कर काट के देख लिए, एमपी एमएलए के चक्कर काट के देख लिए। हम फॉरेस्ट विभाग में गए, हम एक्सएन के पास गए, एससी के पास गए, पीडब्ल्यूडी गए, एमएलए के पास गए, एमपी के पास गए और हम डिप्टी सीएम के पास गए। हम सब जगह जा चुके हैं लेकिन हमारी समस्या का हल नहीं हुआ। तब हमने जाके ये रास्ता अपनाया है कि हम सड़कों पे रहेंगे, हम दुकानें पे बैठे। हेलो जी, बताइए। ऐसा है कि हमारी जब सब तरफ से आज खत्म होगी तब हम रोड पे हैं और आज हम प्रशासन की जो है अर्थी जला रहे हैं। शर्म की बात यह है कि ये गोहाना मोड़ से लेके और पुल तक आधा किलोमीटर की सड़क है जिसको बनते हुए 16 महीने हो गए लेकिन आज तक उस पर एक रोड़ा नहीं डला, सिर्फ उसको खुर्चा गया है। 16 महीने के अंदर सरकार ने जनता के कमाई से एक नाला बनाया है और उस नाले में एक बूंद पानी नहीं जा सकता। मैं दावा करता हूं कि कोई इंजीनियर आके, कोई अधिकारी आके साबित कर दे कि उस नाले में एक मतलब बूंद भी पानी जा सकती है, उसका फ्लो बिल्कुल गलत है, उसकी तरफ ढलान नहीं है। करोड़ों रुपए लगा के वो नाला बनाया गया जिसका कोई मतलब असर नहीं है, रोड खुर्च दी गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जीएसटी संग्रह की बात हो जब तो व्यापारी चाहिए, जब कोई सुविधा की बात हो तो व्यापारी की कोई सुनता नहीं है। हम अगर जो सरकार चलाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। अगर जो एमएलए एमपी हमारी नहीं सुनेंगे तो हम उनके घरों का घेराव करेंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर जो आपकी नहीं चल रही है, अगर जो आप काम नहीं करना चाहते हो तो आप एमएलए एमपी बने क्यों? अगर जो आप काम करना चाह रहे हैं और आपकी चल नहीं रही है तो इस्तीफा दे के मार्केट में आओ। दिक्कत क्या है? क्या क्या ले रहे हो आप इससे? क्या कमीशन बंदी हुई है या आप तनख्वाह में आप गुजारा कर रहे हो? जब आपकी पब्लिक तंग है और अफसर आपकी सुन नहीं रहे तो आप क्यों कुर्सियों से मतलब चिपटे बैठे हो? एक दिन आओ गोहाना रोड पे, आके देखो कि हम किस हाल में जी रहे हैं। एमएलए एमपी आपसे रिक्वेस्ट है, आप धरातल पे आओ अपने कमरों से, बेडरूम से निकल के, और अफसरों जिन अफसरों की ये नाकामी है, जिनके जिम्मे ये सड़क अच्छे से बनानी थी, जिन्होंने खुरचवा दी, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। उनको उन्होंने जो ये गैर कानूनी काम कराया है, गैर मतलब तनख्वाह ली खरी और काम करा खोटा, उनके ऊपर बकायदा मुकदमा चलाया जाए और उनको सस्पेंड करा जाए। और मैंने एमएलए से हम लोग 4 बार मिले, मैंने कहा जी एक काम करो, किसी टेबल पे आप अधिकारियों को भी बुला लो और हमारे को बुला लो, आमने सामने हम बैठ के बात करना चाहते, लेकिन एमएलए की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारा आमने सामने करा सके। तो भाई साहब ऐसी विधायक की किसी काम की नहीं है। विधायक चुनने में हमारा ही साथ था, वोट भी हमने मांगी थी, वोट भी हमने दी थी और वोट आगे भी चाहिएगी। एमएलए 5 साल के लिए बने हो, सारी उम्र के लिए नहीं बने हो, ये ध्यान रखना इस बात का। सांसद साहब से भी मिले आप हैं जी? सांसद साहब से भी मिले। सांसद साहब मौके पे भी आए थे, उन्होंने देखा था, उन्होंने ठेकेदार को ताड़ा भी था कि भाई ये काम करने का कौन सा तरीका है। आप एक बार बताओ, जब आपके नाले शिफ्ट नहीं हुए, आपके पेड़ नहीं कटे, आपके खंभे नहीं शिफ्ट हुए तो आपने सड़क बनाने के लिए सड़क फाड़ दी,
ये 16 महीने पाड़ी गई थी, ये सारे काम उसके बाद करे गए, रोड बनाने का काम बाद में, पाड़ने के बारे में मेरे को समझ में नहीं आता है कौन से इंजीनियर थे जिन्होंने को नक्शा बना के दिया था कि भाई पहले रोड पाड़ दो, फिर पेड़ शिफ्ट करना, फिर आप नाले बनाना, फिर पानी की पाइप डालना, फिर आप शिवर की पाइप डालना, उसके बाद फिर सड़क बनाना, सड़क पहले खोदो बाकी सारे काम बाद में। पता नहीं कौन सा इंजीनियर वो था जिसने ये तरीका दिया था इनको ये काम करने का। एक चीज और बताइए, व्यापारी जो है डरा हुआ होता हमेशा, जो है ड्रे सहमे हुए काम करता, लेकिन आज गुस्से में है सरकार के खिलाफ भी, प्रशासन के खिलाफ भी, नेताओं के खिलाफ भी। क्या अब आक्रोशित हो चुके हैं आप लोग कि भाई अब काम नहीं होगा तो इस तरह से ही विरोध प्रदर्शन आप किएंगे, जो है नेताओं का घेराव भी करेंगे आप लोग? भाई साहब जंगल में शेर राजा होता है, सारे उससे डरते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर जान पे आ पड़ती है ना, वो शेर से ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। व्यापारी हमेशा शांत प्रवृत्ति का ही होता है। हम तो टैक्स क्या, चंदा क्या, जो कुछ भी चाहिए सहायता क्या, देश में आपत्ति जब आ जाती है सबसे पहले जो है पैसे व्यापारी देते हैं। हम शांत प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये ना समझा जाए कि हमारे अंदर जान नहीं है यार, हमारे अंदर गुस्सा नहीं है, हमारे अंदर आग नहीं है। जब हम परेशान जुड़ से ज्यादा हो जाएंगे, और ये इतिहास रहा है, मेरी छोटी सी उम्र में मैंने सारे काम देखे हैं, ये इतिहास रहा है। जब जब व्यापारी सड़क पे आया है तो सरकार की चूल्हे हिली है ये हम, क्योंकि जब व्यापार सड़क पे आ जाता है तो आप सोच के चलो कि देश जी आज देश व्यापार पे चल रहा है, आप जैसे पत्रकारों पे चले जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं, जो आज इतनी बारिश में छतरी लेके हमारे हमारी समस्या सुनने के लिए आया, आपका और हमारा मतलब की वजह से देश चल रहा है। वो एसी ऑफिसों में जो अफसर बैठे हैं, हमारे एमएलए एमपी बैठे हैं, उनसे देश नहीं चल रहा है, ये गलत फहमी ना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ व्यापारी और हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नीरज जी, आपकी भी कोने पर दुकान है, धंधा वाकई चौपट हो चुका है सभी दुकानदारों का, आपकी दुकान कैसे प्रभावित है? सर धूल मिट्टी इतनी है, खाने पीने का काम है, सारे लोग कस्टमर आता ही नहीं सर, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, 2 साल से झेल रहे हैं, पहले लॉकडाउन उसके बाद ये रोड, अब पता नहीं कब तक ये झेलना पड़ेगा। 16 महीने हो गए जी, उससे पहले लॉकडाउन था उसके बाद, अब ये रोड तोड़ दिया जी, कोई कस्टमर आते नहीं, 50% काम रह गया जी, काम है बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे है जी, खर्चे सारे वही है, दुकान पे काम है नहीं, बिल्कुल खाली बैठे रहे सारे दिन जी। चलिए तो आप देखिए कि पुतला हाथ में शवयात्रा जो है ये प्रशासन की लेकर के निकले हैं। सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि यहां के प्रशासन की आंख खुले, और इन व्यापारियों का तो है ही है ये, क्योंकि इनका धंधा यहां से चलता है, इनकी रोजगार, खाली इनका नहीं, इनके पास जितने भी वर्कर काम करते हैं दुकानों पे, जो हजारों सैकड़ों दुकानें हैं और हजारों लोग यहां पर नौकरी करते हैं, उनके परिवार चलते हैं, उन लोगों का तो प्रभावित होता ही है, लेकिन यहां के जितने भी वाहन चालक हैं, क्योंकि रोहतक नेशनल हाईवे पर यह रास्ता जुड़ता है, और वो सभी लोग यहां पर हजारों गाड़ियां हर रोज आवागमन करती है, वो सब लोग भी परेशान हैं, और सभी दुष्यंत मर गया, हाय हाय, कचर सरकार मुर्दाबाद, जेजेपी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, जेजेपी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, ठेकेदार मर गया, हाय हाय, ठेकेदार मर गया, हाय हाय, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, ये मटका किस चीज का है हाथ में, मटका आप लेके चल रहे हैं? ये अर्थी है सर, अर्थी है पूरी सरकार की। अच्छा, मटका अर्थी के साथ, मटका अर्थी के साथ में है ये, आगे चुराए में जाके इसको फोड़ा जाएगा। खन्ना रोड पे मटका,
व्यापारी को हमेशा डरे हुए सहमे हुए देखा है, वो डरता प्रशासन से, सरकार से, नेता से, लेकिन आज इतना गुस्से में है कि वो क्या क्या करे, क्या करे। डेढ़ साल से लोग इतने दुखी हो चुके हैं कि लोग इतनी धूल मिट्टी खाका के सब अपना अस्थमा के पेशेंट हो चुके हैं, और सरकार से यही है भी जितनी हमारे सब लोगों ने है ना कोशिश की है कि बार बार ये जितनी जल्दी हो सके, पर सारी MLA MC MP सबको बार बार बुलाया गया पर किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकार को ऐसे लगता जैसे ठेकेदारों के साथ मिलकर ये ब्लैकमेलिंग कर रही है आम जन के लिए, और सभी आदमी परेशान है, इसलिए लास्ट दुखी होके जब कोई रास्ता नहीं बचा जब जाके ये प्रयास किया गया ताकि किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।